चंद कदम की दूरी पर खड़े थे करिश्मा और अभिषेक। सालों बाद एक दूसरे के सामने आए एक्स कपल। रॉकी रानी की स्क्रीनिंग में हुआ दोनों का आमना सामना। कभी दोनों करते थे एक दूसरे से बेइंतहा प्यार, इस वजह से आई थी दोनों के रिश्ते में दरार। यू तो आए दिन बॉलीवुड इवेंट्स में किसी न किसी एक्स कपल का आमना सामना हो ही जाता है। हाल ही में रॉकी और रानी की ग्रैंड स्क्रीनिंग में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इस इवेंट में भी प्यार में बिछड़े दो एक्स लवर्स सालों बाद एक ही छत के नीचे नजर आए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में जहाँ अभिषेक बच्चन की माँ और दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन अहम भूमिका में नजर आएंगी, यही वजह है कि प्रीमियर में अभिषेक अपनी माँ और बहन श्वेता बच्चन के साथ पहुँचे। इस दौरान एक्टर काफी स्टाइलिश लुक में दिखे। उन्होंने स्काई ब्लू स्वेटशर्ट के साथ ब्लू जीन्स, सिर पर टोपी और येलो चश्मा कैरी किया था। लेकिन खास बात तो ये थी कि इस प्रीमियर में उनकी एक्स यानी एक्ट्रेस करिश्मा कपूर भी पहुंची थी। प्रीमियर में करिश्मा कपूर ब्लैक टी शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउजर पहने काफी कूल लुक में नजर आई। साथ में पिंक कोट भी कैरी किया हुआ था जो उनके लुक को स्टाइलिश दिखा रहा था। जब एक ही इवेंट में अभिषेक और करिश्मा पहुंचे तो हर किसी की नजर उन पर ही टिकी रह गई। हालांकि इस दौरान दोनों का आमना सामना होता नहीं दिख रहा, पर एक ही इवेंट में दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है दोनों मिले हो, लेकिन फिलहाल इनके इस इवेंट में साथ में कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन ने एक दूसरे को 5 साल तक डेट किया था। दोनों की सगाई तक हो गई थी, फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे इनके रिश्ते में दरार आ गई। दरअसल कहा जाता है कि करिश्मा अभिषेक का रिश्ता कपूर परिवार को तो पसंद था, लेकिन करिश्मा कपूर की मां बबीता इससे खुश नहीं थी। दरअसल जिस वक्त ये रिश्ता तय हुआ था उस वक्त करिश्मा का करियर बुलंदियों पर था। वो उस दौर की टॉप एक्ट्रेस थी जबकि अभिषेक बच्चन का करियर शुरू ही हुआ था। उनकी कुछ एक फिल्म रिलीज हुई थी और वो भी ज्यादा हिट नहीं थी। ऐसे में करिश्मा की माँ बबीता नहीं चाहती थी कि करिश्मा की शादी किसी न्यू कमर से हो। वहीं अभिषेक से सगाई टूटने के कुछ समय बाद ही करिश्मा कपूर ने दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली थी। ये एक हाई प्रोफाइल शादी थी जिसके चर्चे खूब हुए थे और पूरा बॉलीवुड इस शादी में मेहमान बना था। तो वहीं करिश्मा से रिश्ता टूटने के बाद अभिषेक ने 2007 में ऐश्वर्या से शादी कर ली। हालांकि आज करिश्मा की शादी टूट चुकी है, जबकि अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय संग खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं। करिश्मा और अभिषेक के टूटे रिश्ते की चर्चा आज भी खूब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।